हेलो एवरीवन, दिस इज बी एस एकेडमी और आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है किस तरह से अच्छे वे से अच्छे मेथड से की जा सकती है, या फिर सही मायने में बोला जाए व्हाट इज़ द गोल्डन रूल टू क्रैक यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो पे चलते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं या यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो किस तरह के थॉट जो हैं हमारे माइंड में आते हैं, हमें लगता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं या फिर बोला जाए लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के अंदर हर साल बैठते हैं और उनके पास जो है बोला जाए कि उनको असफलता मिलती है, यानी सही मायनों में रखा जाए कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। तो इस तरह के जो नेगेटिव थॉट जो होते हैं हमारे अंदर या फिर बोला जाए कैंडिडेट्स के अंदर आ जाते हैं, तो इन नेगेटिव थॉट से अपने आप को कैसे बचाना है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन नेगेटिव थॉट को अपने अंदर नहीं आने देना, उसके लिए हमें क्या क्या एक तरह से बोला जाए कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी जो है अपने अंदर रखनी चाहिए। तो जब भी हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव थॉट जो हैं किसी भी कैंडिडेट्स के अंदर आ सकते हैं या फिर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं कि वो इस एग्ज़ाम को यूजीसी नेट एग्ज़ाम को काफ़ी बार दे चुके हैं और उसके बाद भी जो है ये एग्ज़ाम जो है उनसे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है जो नेगेटिव थॉट हैं या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट जो है वो आ जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट जो होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये एग्ज़ाम जो है आपसे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। हो सकता है उसके बहुत सारे कारण हो सकता है कि आपकी जो तैयारी है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो उतने अच्छी तरह से आपने नहीं पढ़े हैं, या फिर एग्ज़ाम में आप जिन क्वेश्चंस को करते हैं वो गलत हो जाते हैं, या फिर आपके पास जो समय है टाइम मैनेजमेंट है आपका वो उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है इस ये एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, इस डिमांड क्या है इस एग्ज़ाम की आपसे, या फिर बोला जाए कि कौन कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक्वायर करनी है। तो इनका जो विश्लेषण है इसका जो एनालिसिस है आपको बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अब बात आती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में, मैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को मैं रखता हूँ आपके सामने कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है आपसे। तो जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम के अंदर दो पेपर आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, पेपर वन पेपर टू, एक ही पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है और तीन घंटे के अंदर वो 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पेपर टू के अंदर 50 क्वेश्चन पेपर वन के अंदर वो आपको करने होते हैं और उन 150 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास केवल 180 मिनट्स हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको जो एक्यूरेसी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो एक्यूरेसी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और किस तरह से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाता है और उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो ऐसा आपको करने से बचना है। तो अगर इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और साथ में हम हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलेंगे। देखिए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर भले ही लाखों कैंडिडेट जो हैं हर साल बैठते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि उनमें से सीरियस जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उनकी जो उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है और केवल आपका जो कंपटीशन है उन कैंडिडेट से है जिनका जो सीरियसनेस का जो लेवल है या फिर उनकी जो प्रिपरेशन है
वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी जितने भी कैंडिडेट जो एग्जाम देने आते हैं 90% जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि वो सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं क्योंकि उनके और जो दोस्त हैं या और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर उनके और कलीग हैं वो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस एग्जाम के अंदर इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं बैठते हैं, आपको तो ये सोचना है कि ये एग्जाम जो है इस एग्जाम के लिए मुझे कौन कौन सी जो स्किल सेट है वो चाहिए और वो स्किल सेट के अंदर मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, मेरी कितनी वीकनेस है और उन वीकनेस पर अगर वर्क करते हुए उन वीकनेस को हमें अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली जो एग्जाम है आपका 100% क्वालिफाई होना होगा, क्योंकि आपको इस बात को नहीं सोचना कि आपने कितनी बार ये एग्जाम को अटेम्प्ट कर लिया। आपके लिए हर बार ये एग्जाम देना आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस एग्जाम के अंदर आपको एक तो पॉजिटिव माइंडसेट से बैठना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट को लेकर बैठेंगे तो आप जाहिर मानिए कि आप आधी जंग तो उसी समय हार जाते हैं जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट आपको अपना बनाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उन नेगेटिव थॉट को बिल्कुल भी आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, और अगर आपके मन में फिर भी इस तरह के नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए BSI एकेडमी टीम जो है आपके लिए मौजूद है। आपको किस तरह के थॉट जो है, आपको लगता है कि भाई आपको लगता है कि आपका ये एग्जाम जो है UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो उसके लिए आप हमें मैसेज करिए, हम डेफिनेटली जो है आपका जो आपके लिए जो सक्सेस रेट है आपका, या फिर बोला जाए आपके लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको जरूर उसके बारे में राय देंगे। तो आपको नेगेटिव थॉट से बचना है, पॉजिटिव माइंडसेट से आना है और किन स्किल सेट के साथ आपको इस एग्जाम के लिए उतरना है उनको जानना होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्टूडेंट जो है सिलेबस से अवेयर ही होते हैं। जब तक आप सिलेबस से अवेयर नहीं होंगे ना, और जब तक आपको सही तरीके से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है अगर उनको ध्यान आप नहीं रखेंगे तो ये एग्जाम आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर्स की भी, साथ में मॉक टेस्ट की भी, ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ में जितने से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना कीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको एक बार आपने इस तरह के जो सर्कल को घुमा दिया अपने लिए, अपनी पढ़ाई के अंदर इन चीजों को, इन बातों को लेके आना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली नेगेटिव थॉट आपके मन में नहीं आएंगे। देखिए, हम लोग जब पढ़ते नहीं है ना तभी इस तरह के नेगेटिव थॉट हमारे मन में आते हैं, और जब हम लोग पढ़ते हैं और किसी बात को, किसी चीज को एक्वायर करने के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट है उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जीरो हो जाता है, पर वो जो नेगेटिव थॉट है हमारे अंदर कहीं ना कहीं आना बंद हो जाते हैं। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से उतरना है अपने एग्जाम के लिए, नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं सोचना, पेपर के लिए कौन कौन से स्किल सेट की जरूरत है आपको ध्यान में रखनी है और उन स्किल सेट को आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हुए उन्हें एक्वायर करना है। बस आपने इतना कर दिया, आपका एग्जाम जो है 100% ये क्वालिफाई होगा। भले आप एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं या कितनी बार भी पेपर को दे चुके हैं, इसका कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है। आप 3 बार दें, 4 बार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस एग्जाम को कितनी बार दे चुका हूं और हर बार ये एग्जाम मैं क्वालिफाई करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा अपने इस एग्जाम के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट से उतरता था। क्योंकि अब तो मैं इस एग्जाम को नहीं देता हूं, जरूरत भी नहीं है। एक बार JRF क्वालिफाई करो या 6 बार JRF क्वालिफाई करो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने लिए JRF को क्वालिफाई करना है, और जब पॉजिटिव माइंडसेट से आप बैठेंगे, क्योंकि दूसरे की, हम लोग क्या सोचते हैं कि दूसरे की जो मतलब तैयारी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है हमारे इस UGC नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने इस एग्जाम को कितना अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करके आप बना पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, उसके ऊपर जो है आपकी ये सक्सेस रेट आपका डिपेंड करता है। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में मैंने काफी सारी बातें बताई होंगी जिनको अगर अमल में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली जो एग्जाम है आपका क्वालिफाई होगा। तो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।